साथियों, मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ एक प्लांट की जिसका नाम अरंडी है। अरंडी जिसको कि बॉटनिकल नेम रिसिनस कोमिनस है। इसकी जो है पेंटाकुलेट लीफ होती हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ये पेंटाकुलेट लीफ है इसकी, है ना, हाथ जैसी है। और ये पौधा बहुत ही गुणकारी पौधा है। इस पौधे के आजकल बहुत यूज हो रहे हैं। इस पौधे की ये जो पत्तियाँ हैं, ये जो मेरे हाथ से जो आप पत्तियाँ देख रहे हैं, इन पत्तियों को जो है इसमें घी मल के इन पे जो गठिया बाई के जो रोग होते हैं, रेमेटिस की प्रॉब्लम होती है, उसको इसके घी लगा के इसको हाथ पाँव पे लगा देते हैं, जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ लगा देते हैं, और उससे जो है इसका वो ठीक होता है। जो रेमेटिस की समस्या होती है, ये जोड़ों में दर्द है, वो ठीक होता है। साथ साथ में जो है इसके जो बीज होते हैं, बीज इसको कास्टर ऑयल बनता है। कास्टर ऑयल आपने सुना होगा, कास्टर ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा पर्गेटिव है। इसको जब भी पेट साफ करना होता है या वो करना होता है, तो इसमें जो है हम लोग जो हैं इसके जो है बीजों को यूज करते हैं। इसका ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ में जो बीज है, ये बीज जो है ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर सीड होते हैं और उन सीड में काफ़ी तेल होता है। और ये तेल जो है निकाल के वो तेल अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं, ये अभी अर्ली स्टेज के हैं, और इसके अंदर जो है काफ़ी ऑयल निकलता है, जिसको हम कास्टर ऑयल कहते हैं। और कास्टर ऑयल शरीर के लिए बहुत गुणकारी है, कई रोगों को ठीक करने में लिए है, पेट साफ को करता है। और जब भी आप अल्ट्रासाउंड होता है तो उससे कास्टर ऑयल ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि कास्टर ऑयल जो है जैसे पेट साफ हो जाता है, और पेट को जो है बहुत अच्छे ढंग से जो इसको साफ होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कास्टर ऑयल है, आप देख लीजिए, कास्टर की प्लांट है, कास्टर ट्री है, लोकल इसे अंडू का पेड़ कहते हैं, अरंडी का पेड़ कहते हैं। और अभी कुछ ऐसे भी कीड़े पैदा हुए हैं, ऐसे भी रेशम के कीट पैदा हुए हैं, जो कि अब जो हैं इस पे पल रहे हैं, और इस पौधे की बदौलत अब रेशम का भी उत्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। और ये जो पौधा है, ये हिमालयी जोन में जो है लगभग यहाँ पे ये 2000 मीटर तक बहुत आयत में मिलता है, और उसके बाद धीरे 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 इसकी जो है वो चेंज हो जाती है गुणवत्ता, और इसका जो है पौधे का सेब साइज जो ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, ये पौधा बहुत गुणकारी पौधा है और बहुत ही लाभदायी पौधा है। और इसके यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पे इसका जो है काफ़ी देख लीजिए, सारे अरंडी के पौधे हैं, और ये अरंडी ही है, और ये सौरम्य माँ गंगा बह रही है सामने, और यहाँ पे ये जो पौधे हैं ये देख लीजिए आप, और इसको हम लोग बहुत गुणकारी पौधा होता है। धन्यवाद।